हेलो फ्रेंड, मैं सही कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इससे पहले प्लेलिस्ट पे काफ़ी सारा OSHTT CBT वीडियो है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं, वहां पर आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्याकरण रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है और उसके साथ साथ OSHTT जो 2021 में दूसरी मरतबा नोटिफिकेशन आया है उसका लाइव क्लास शुरू हो चुका है। क्लास से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, skehtesham.babu इंस्टाग्राम ID है, वहाँ मैसेज करें, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। उसके साथ साथ OAVS पोस्टिंग जो ऐसे सुनने में आ रहा है के बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो OAVS नोटिफिकेशन आते ही उसका भी क्लास शुरू कर दिया जाएगा। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, मैं डिटेल्स बता दूंगा। इसके बाद जो है OSHTT के बाद हम जो है CBT क्लास करने वाले हैं, ठीक है, लाइव क्लास होने वाला है जो अभी OSHTT गूगल मीट पे होता है, इसके बाद CBT भी गूगल मीट पे लाइव क्लास होने वाला है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, skehtesham.babu इंस्टा ID है, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है OSHTT कोर्स से हिंदी विभाग से एक खंड को और एक खंड को आलोचना करेंगे जो है विशेषण ग्रामर का, ठीक है। तो ये जो है OSHTT पे भी है, उसके साथ साथ CBT जो सिलेबस सम है, तो ये यहाँ पर OSHTT और CBT से है। तो यहाँ पर विशेषण सबसे पहले समझते हैं कि किसको कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ठीक है, तो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये शब्द हम ऐसा माने कि किसी की भी विशेषता को बताने वाले शब्द है, कोई चीज़ की विशेषता को बताता है तो उसे हम जो है विशेषण कहते हैं। और विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं, एक है गुणवाचक विशेषण, एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है परिमाणवाचक विशेषण और एक है सार्वनामिक विशेषण। एक एक चीज़ को मैं क्लियर करके आप लोगों को समझाऊंगा, बस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। उम्मीद करता हूं एक बार ये वीडियो देखिए विशेषण का और उसके बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेकर। मुख्यतः चार भेद हैं, फिर उसके बहुत सारे भेद हैं, मुख्यतः चार भेद हैं। तो विशेषण जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, विशेषता से केवल यह नहीं समझना चाहिए कि विशेषता मीन अच्छाई को बताता हो, अगर उसकी बुराई को बताता हो तो भी वह विशेषण है। हम जैसे बोलेंगे कि हम नहीं बोलते कि वह लड़का बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का ये जो है अच्छा लड़के की विशेषता बताता है, तो अच्छा एक प्रकार का विशेषण है। अगर वहीं पर हम बोलते हैं बुरा लड़का, तो बुरा भी एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है, जो लड़का की विशेषता है, यानी गुण दोष जो है रंग रूप आकार किसी को भी बताता है वो एक प्रकार का विशेषण है। हम बोलेंगे कि रास्ते पे चौरास्ते पे लाल बत्ती जल रही है, तो यहाँ पर लाल जो है वो बत्ती की विशेषता को बताता है, तो उसके कलर को बताता है, तो ये एक प्रकार का विशेषण है। तो विशेषण मुख्यतः चार प्रकार हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें, उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो सकते हैं। OSHTT लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहा विशेषण, देखिए एक एक चीज़ को क्लियर होते चलिए। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण यानी गुण रूप दोष रंग को बताता हो, उसके किसी गुण को बताता हो, या फिर जो है उसके आकार को बताता हो, या फिर जो है उसके उसकी दशा को बताता हो, उसकी दिशा को बताता हो, उसके कलर को बताता हो, उसके रंग को बताता हो, ठीक है, तो ये सारे चीज़ को क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, अच्छा, मीठा, सीधा, गोल, मोटा, संकरा, ठीक है, तो ये सारा है गुणवाचक विशेषण। हम बोलेंगे कि सीधा रास्ता, तो यहाँ पर रास्ता के विशेषता को बताता है, तो सीधा क्या है ने गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको OSHTT एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अक्सर हमने 2016 में, 18 में, 19 में और 21 में देखा है कि एक वाक्य दिया होगा और उससे पूछा होता है कि विशेषण छांटिए, ठीक है, चार ऑप्शन होता है, इसके अंतर्गत के किस प्रकार का विशेषण है इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चारों को हम सही तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा, जैसे मोटा इसके आकार को समझाता है, ठीक है, हम बोलेंगे मोटा आदमी, तो आदमी की विशेषता को बताता है, हम बोलेंगे मोटा आदमी जा रहा है। ऐसे एक वाक्य दिया होगा एग्जाम में, जैसे मान लो कि मोटा आदमी जा रहा है, तो इस पे विशेषण जो है छांटिए, तो कौन सा विशेषण होगा, नहीं इस पे विशेषण जो है मोटा है, ठीक है। तो गरीबी, पिघला, बीमार, हम बोलते हैं बीमार आदमी, अगला, पिछला, पुराना, नया, हम बोलेंगे पुरानी चीज, तो विशेषण जो है यहाँ पर पुरानी, ये जो है विशेषण है। तो उसके साथ साथ उत्तरी, दक्षिणी, सामने वाला, ग्रामीण, पहाड़ी, हाँ ठीक है, हम बोलेंगे पहाड़ी जानवर, ग्रामीण आदमी, भारतीय लोग,
हाँ ठीक है, हम बोलेंगे काला बाइक, काला आदमी, काला कार, जो भी बोलते हैं। तो ये जो है रंग रूप आकार प्रकार दशा स्थिति आदि का वर्णन करता है, यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, हर एक से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हम लेंगे ग्रामीण, हम बोलेंगे ग्रामीण आदमी, ठीक है। दक्षिणी, दक्षिणी लोग, हमेशा बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोग। एक जो है दिशा को समझाता है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। ठीक है, ये रहा गुणवाचक विशेषण। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछना, मैं वहां पर आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो उसके साथ देखिए दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार है, एक है निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण, एक है अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। निश्चिंत संख्या में जहां पर हमें निश्चिंत संख्या का बोध होता है, वह है निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। जहां पर निश्चिंत संख्या का बोध नहीं होता, वो है अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम एग्जाम्पल में लेंगे कि मैदान में 10 लड़के खेल रहे हैं, एक ऐसा सेंटेंस आया होगा आपका कि मैदान में 10 लड़के खेल रहे हैं। इससे विशेषण अगर छांटने दिया होगा तो 10 है विशेषण। अगर 10 के नीचे अंडरलाइन देकर पूछा होगा कि यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामी विशेषण, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। मैदान में 10 लड़के खेल रहे हैं, संख्या क्या है 10, विशेषण है। किसके अंतर्गत है? निश्चिंत के अंतर्गत है, निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगर हम वही बोलेंगे कि मैदान में कई लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कई लड़के मतलब हमें निश्चिंत संख्या का ज्ञान नहीं है, तो ये है कई अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। हम बोलते थे 10 लड़के निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण, कई लड़के जो है अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। हम बोलेंगे कि वहाँ पर हम ऐसी संख्या, हम वहाँ पर 5 छात्र हैं, वहाँ पर 10 छात्र हैं, कक्षा में 20 छात्र हैं, ये सब 10, 20, 5 निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। हम बोलेंगे काफ़ी लोग थे, हम बोलेंगे उस सभा में काफ़ी लोग थे, तो काफ़ी लोग यानी लोगों की निश्चिंत संख्या का, संख्या निश्चिंत संख्या का हमें पता नहीं है, तो इसलिए यह अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण क्लियर। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ संख्यावाचक विशेषण में, निश्चिंत अनिश्चिंत। जैसे हम बोले 4 आदमी 9वीं कक्षा, बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है ना, बच्चा 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो 9वीं कक्षा यहाँ पर फिक्स संख्या है, हमें ज्ञान है एक्चुअली संख्या जो है क्या है, तो निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। 300 रुपये 10 घोड़े, तो ये निश्चिंत संख्या का ज्ञान होता है, तो इसलिए यहाँ निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत है। अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर निश्चिंत संख्या का ज्ञान नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल पर देखिए अनिश्चिंत में काफ़ी लोग, देखिए जिस समय हम बोलते थे 4 आदमी, तो 4 आदमी निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण, हम बोले काफ़ी लोग यानी कितने लोग हैं हमें निश्चिंत तौर पर पता नहीं है, तो इसलिए ये रहा अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। लेकिन और एक चीज़ रखिए, संख्यावाचक परिमाणवाचक में आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा, मैं वो कन्फ्यूज़न भी आपको दूर करूँगा इसी वीडियो पर। देखिए तो जब बोलते हैं 9वीं कक्षा, तो निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण 300 रुपये निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। जिस समय पूछते हैं कुछ कई पुस्तकें, यानी कितनी पुस्तकें हमें जो है ज्ञान नहीं होता, कितनी पुस्तकें हमें पता नहीं होता, तो हम बोलते हैं कई पुस्तकें रखी हुई हैं, हम बोलेंगे मेज पर कई पुस्तकें रखी हुई हैं। ऐसा जो है सेंटेंस आ सकता है आपके एग्जाम में, CVT हो OSST, ठीक है, मेज पर कई पुस्तकें रखी हुई है, इसमें से विशेषण छांटिए। अगर विशेषण छांटने दिया होगा तो कई ये जो है विशेषण है। अगर कई पुस्तकें इसके नीचे अंडरलाइन किया होगा और पूछा होगा यह किस प्रकार का विशेषण है, तो ऑप्शन होगा अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। कई पुस्तकें 3-4 आदमी, यानी पता नहीं है वहाँ कितना, हम ऐसे बोलते ना वहाँ कितना आदमी थे, यही 200-300 आदमी होंगे, 5-10 आदमी होंगे, हाँ रात में वहाँ 2-3 आदमी थे, 3-4 आदमी थे, यानी फिर भी निश्चिंत संख्या का बोध नहीं है। अगर हम यहीं पर बोलते 5 आदमी तो निश्चिंत संख्यावाचक विशेषण, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोले, ने 2-4 आदमी, ठीक है 5, ये जो है क्या है, हम बोले 3-4 आदमी, ये है अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। हम बोले काफ़ी सामान, यानी ज्ञान नहीं है कितना है, काफ़ी सामान है, तो ये है अनिश्चिंत संख्यावाचक विशेषण। थर्ड पे क्या है, ने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण पे याद रखना, संख्यावाचक विशेषण जिस संख्या का बोध होता था, परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या का बोध होता है, लेकिन जिसे नापा तोला जाता है,
याद रखना, जिसे नापा तोला जाता है। आप बुक फॉलो करते होंगे, कई बुक पे गलत भी दिया होता है, कई पुस्तकें पे गलत प्रिंट हुआ होता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस समय किसी चीज़ को नापा तोला जाता है, हम जैसे बोलेंगे 1 किलो आटा, ठीक है, नापते तोलते हैं, ठीक है, हम बोलेंगे 5 मीटर का सांप, तो जिसे नापा या तोला जाता है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन यह क्या होता है, हम जैसे बोले 3-4 आदमी, इनको गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चित गिने नहीं है 3-4 आदमी, हम बोले काफ़ी सामान, 1-2 गिन सकते, हम बोले कई पुस्तकें, पुस्तक को गिन सकते हैं। तो इसलिए यह संख्यावाचक था, निश्चिंत हो या अनिश्चिंत हो, 5 पुस्तकें, कई पुस्तकें, ठीक है, वो संख्यावाचक के अंदर था। निश्चिंत हो तो हम बोलते हैं 5 पुस्तकें, अनिश्चिंत हो तो कई पुस्तकें। लेकिन यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, नहीं, यहाँ पर जिस चीज़ को नापा तोला जाता है वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। और यह भी फिर 2 प्रकार है, एक है निश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण, एक है अनिश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण। निश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण क्या है, देखिए, जहाँ पर हम निश्चिंत ज्ञान होता है कि कितना किलो है, कि कितना लंबा है, नापना तोलना निश्चिंत का ज्ञान होता है, वह है निश्चिंत संख्या, निश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण। जैसे निश्चिंत में बोले 1 लीटर पेट्रोल, यहाँ पर निश्चिंत का बोध हुआ। अगर हम वही बोलते थोड़ा सा पेट्रोल, बाइक चलाते चलाते क्या हुआ, नहीं, बाइक से पेट्रोल खत्म हो गई, हम बोले थोड़ा सा पेट्रोल दे दो, ये तो थोड़ी से पेट्रोल जो है या 1 लीटर पेट्रोल जो है एक निश्चिंत संख्या का ज्ञान कराता है, एक अनिश्चिंत का ज्ञान कराता है, सॉरी, निश्चिंत परिमाण का ज्ञान कराता है, एक अनिश्चिंत। तो 1 लीटर पेट्रोल, 5 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा, 10 किलो आलू, ये जो क्या है, नहीं, निश्चिंत संख्या, निश्चिंत परिमाण का बोध कराता है। तो निश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण है। जहाँ पर एक और एक चीज़ याद रखना, आप, मैं बार बार बोलूँ कि जिसे नापा तोला जाता है वो परिमाणवाचक के अंदर है, जिसे गिना जाता है वो संख्यावाचक के अंदर है। अब निश्चिंत अनिश्चिंत जो भी हो, तो यहाँ पर परिमाणवाचक अनिश्चिंत परिमाणवाचक, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा घी, सारा अनाज, ये जो है इसे क्या करते हैं ना, नापते तोलते हैं, हम बोलते थोड़ा सा पानी पिला दो, तो ये थोड़ा सा पानी, यानी पानी इसका नापते तोलते हैं, तो निश्चिंत तौर पर हम अगर बोलेंगे कि आधा ग्लास पानी, हम बोलेंगे आधा पानी, यानी जिस चीज़ पर लाते हैं, अगर ग्लास दिखाकर हम बोलते हैं कि आधा पानी ले आओ, यानी आधा ग्लास, एक निश्चिंत परिमाण हो जाता है, तो निश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। हम अगर बोलते हैं थोड़ा सा पानी, तो अनिश्चिंत परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर होते होंगे। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, इसके एहतेसाम डॉट बाबू मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और उसके साथ इसके बाद हम OABS का भी जो है तैयारी शुरू कर देंगे, जो हिंदी विभाग है उसके सारे सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एक न्यू बैच स्टार्ट होगा, आप अभी से अपना इंस्टाग्राम पे डाटा दे दें, मैं आपको क्लास जब शुरू हो तब आपसे मैं कॉन्टैक्ट कर लूंगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट CBT नोटिफिकेशन, जब CST नोटिफिकेशन आएगा तो CBT के लिए हम भी क्लास करना शुरू कर देंगे। आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर अपना डाटा दें। तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इंस्टा आईडी जानते हैं, इसके हाथे साम डॉट बाबू है। सार्वनामिक विशेषण, यह सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, हम विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम आदि के विशेषता को बताता है विशेषण कहलाता है। इस 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ दिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। गुणवाचक में क्या था ना, उसका गुण दोष हो, उसका रंग हो, उसका दशा हो, उसकी दिशा हो, उसका स्थान हो, आदि आदि का। जैसे हम बोले भारत, ये एक स्थान का बोध कराता है, हम बोलते हैं पहाड़ी आदमी, स्थान का बोध कराता है। हाँ, तो दशा, दिशा, स्थान, रंग, गुण आदि था गुणवाचक विशेषण के अंदर। संख्यावाचक, जिसे गिना जाता हो, निश्चिंत हो या अनिश्चिंत हो। परिमाणवाचक, जिसे नापा तोला जाता हो, ठीक है, निश्चिंत हो सकता है, हम बोलेंगे थोड़ा सा पेट्रोल, हम बोलेंगे 1 लीटर पेट्रोल, 1 किलो आटा, थोड़ा सा आटा, ज़्यादा आटा, तो निश्चिंत अनिश्चिंत। वैसे अंत में क्या है, सर्वनामिक विशेषण, ये क्या होता है, ये संज्ञा के पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है। सार्वनामिक विशेषण वेरी सिंपल है, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आता है विशेष, हम बोलते हैं वह लड़का, हाँ, कैसा लड़का, ऐसा लड़का, हाँ, वह लड़की, यह किताब, हाँ, वह पुस्तक, ये सारे सार्वनामिक विशेषण जो किसके पहले आ रहे हैं, ने पहले आ रहा है ये संज्ञा के, लेकिन सर्वनाम है और संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे यह पुस्तक, देखिए पुस्तक संज्ञा है, उसके पहले यह, हम बोलेंगे यह पुस्तक रखी हुई है, तो यह एक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह आदमी, ऐसा घोड़ा, कई कोई किताब, जो सर्वनाम है और संज्ञा से पहले आता है वो है सार्वनामिक विशेषण।
तो चलिए लाइव क्लास जो है शुरू हो चुका है, ओएस सिस्टम में बार बार बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। इसके बाद जो है ओएवीएस का एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं क्लास करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, मैं वहाँ पर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बता दूंगा क्या होता है। और उसके साथ साथ जो है सीएसटी नोटिफिकेशन आते ही हम एक न्यू बैच सीएसटी के लिए भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, मुझे इंस्टाग्राम पे चैट करें, मैं जरूर आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।